पहुंची हूं करनाल के निर्मल कुटिया, जहां रोजाना बनती है 5000 लीटर छबील यानी कि मीठा पानी। गर्मी कितनी ज्यादा है, 45 के पार पारा, और यहां पर रोजाना जो है आम जनता के लिए सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी प्रोसेस रहती है, कितना टाइम लगता है, कितनी चीनी लगती है, कितना दूध लगता है, सब बातचीत जो है इन लोगों से करेंगे। फिलहाल प्रोसेसिंग आप लोगों को दिखाते हैं कि सुबह 7:30 बजे ये बननी शुरू हो जाती है रोजाना 5000 लीटर छबील। तो आपने देखा किस तरीके से जो मेहनत लगती है, 5000 लीटर जो है रोजाना निर्मल कुटिया के बाहर ये मीठा पानी तैयार किया जाता है। और एक इंसान ने घर पे तो आप बनाते हैं, किस तरीके से एक इंसान बना देता है 2 से 3 गिलास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 लोग और बच्चे भी देख पा रहे हो, 2 बच्चे भी जो है सेवा करते हुए दिख रहे हैं। और हीट वेव्स इतनी ज़्यादा हो रही है तो ये हीट वेव से थोड़ा सा आपको राहत जरूर देते हैं। और निर्मल कुटिया ऐसा जो 24 घंटे जहाँ लंगर भी चलता रहता है, जो है लंगर प्रसाद चलता रहता है, और साथ ही साथ इसकी सेवा मीठे पानी की सेवा भी की जाती है। वहीं शहर में देखा जाता है कि रोजाना कोई ना कोई ऐसे मीठे पानी की छबील लगाते हैं, लेकिन बिना नागे निर्मल कुटिया में ये एक आप देख पा रहे 1200 लीटर का टैंक जो है तैयार हो चुका है मीठे पानी का। अब दूसरा जो है तैयार किया जा रहा है, और ये तैयार होने के बाद जब ये ख़त्म होता है दोबारा तैयार किया जाता है, और फिर उसके बाद सिंपल नॉर्मल ठंडे पानी की भी सेवा की जाती है। बातचीत करते हैं जो लोग डेली बनाते हैं कि कितना वक्त लगता है। अगर मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने भी देखा काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। आपने देखा बड़े बड़े ड्रम्स उठा के लेकर आते हैं, इतनी सारी रूह अफजा की बॉटल्स होती हैं, उनको निकालना, दूध कितना ज़्यादा जाता है। तो बातचीत करते हैं जो रोज़ाना इतने ज़्यादा जो लीटर है ये छबील बनाते हैं। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने लीटर डेली छबील बनती है यहाँ पर? 5000 किलो। 5000 लीटर। तो आप लोग ही करते हो ये डेली सेवा? सारे सेवादारी करते हैं। आप कितने सालों से कर रहे हो? बचपन से ही लगे हुए। बचपन से ही कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये काफी सालों से ही चल रहा है ये, जब आप बचपन से तब से यहाँ पर ये मीठे पानी। लंगर गुरु महाराज संतका सिंह महाराज का लंगर है, 24 आवर चलता है, पानी चाय दूध मरीजों की सेवा। निर्मल कुटिया का एम ही यही है। निर्मल कुटिया का एम ये अभी देख सकते हैं, दूसरा जो है टैंक तैयार किया जा रहा है। अंकल जी दूसरे, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी अगर मैं बात करूँ दूध कितने प्रयोग होता है, रूह अफजा की बात करूँ थोड़ा सा, मतलब आप भी, मैं देख रही थी आप भी सेवा कर रहे हैं, बनाते हैं वही। अच्छा कितने टाइम से कर रहे हैं आप सेवा? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल से कर रहे हैं आप सेवा। मैं देख पा रही हूँ छोटे बच्चे भी आए हुए, ये भी रोजाना डेली आते हैं, सारा दिन सेवा करते हैं। ये कब शुरू होती है सेवा, ये पानी मीठे पानी की, और कब तक चलती है? 1 मई से शुरू करी है हमने। 1 मई से शुरू, और दिन में कब से कब तक चलती है ये? सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। और मुझे तो गर्मी इतनी ज्यादा, हीट वेव्स इतनी ज्यादा, तो लोगों को राहत, लोग रुक रुक के काफी यहाँ पर पीते होंगे मीठा पानी। दो तीन चार गिलास डेली पी के जाते हैं यहाँ पर, इतनी प्यास है मतलब लगती है ना उनको, और सारा दिन कोई आता है कोई जाता है, डेली पी के जाते हैं पानी 4-4 5-5 गिलास। तो गर्मी है ही इतनी ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग जो हैं सेवादार जो हैं यहाँ पर सेवा करते हुए दिख रहे हैं। बच्चे भी हैं यहाँ पर, इन बच्चों से भी एक बार मैं बात जरूर करूंगी। बेटा क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन आप डेली आते हो यहाँ सेवा करने? हाँ। अच्छा, और कितने टाइम से आ रहे हो? एक साल से आ रहे हो यहाँ डेली सेवा करने। अच्छा लगता है सेवा करना? बहुत पानी बनता होगा यहाँ पे तो, मीठा पानी है ना, और बहुत लोग पीने भी आते होंगे। अच्छा लगता है सेवा करके? तो आप देख सकते हैं नितिन है ये बच्चा जो डेली आता है सेवा करते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उसको टेस्ट भी उसका मैनेज करना, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं इतना ज़्यादा बनाना, 5000 लीटर बनाना, तो उसका टेस्ट भी कितना मीठा जाएगा, कितना जो है दूध जाएगा, कितनी चीनी जाएगी, तो वो अपने आप में एक अंदाज़ा होता है। उस अंदाजे से ये सभी सेवादार मिल के सेवा करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पूरा यहाँ पर धोया भी जाता है पूरी जगह को, और काफ़ी लोग रोज़ाना जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं छानते हुए भी दिख रहे हैं, सफाई भी करते हुए दिख रहे हैं, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने सालों से आप ये सेवा कर रहे हो? मैं तो पहले ऋषिकेश में 20 साल सेवा करी है। अच्छा, अभी यहाँ मेरे को 10 साल यहाँ पर हो गए, 10 साल हो ही गए। तो आप तो मतलब पिछले 10 सालों से देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसे छबील बनाई जाती है। यहाँ तो खुला लंगर है, सुबह शाम चलते ही रहता है। अच्छा अगर मैं बात करूँ कितना दूध लग जाता होगा, कितनी रूह अफजा की बोतल कितनी लग जाती होंगी रोजाना? देखो जी एक टप में 50 बोतल पड़ी जाती है, 100-150 बोतल डेली लग जाती है। दूध कितना लगता होगा? दूध बहुत लगता है, ये लोग भी दे देते हैं, बाबा जी भी देते हैं, बहुत लगता है दूध बीच में। अभी आपके सामने ड्रम, एक ड्रम में डाला है, अभी दूसरे में वो बड़ा ड्रम है उसमें डाल देंगे, बस ऐसे ऐसे। अभी ये दूसरा तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। कितने लीटर का टैंक होता है ये?
ये तो इनको ही पता है कितने लीटर था साथ जी कितने लीटर था है? ये 12 क्विंटल 12 क्विंटल था जी। अरे कितने लोग आ जाते हैं रोजाना यहाँ पर पानी पीने? आते हैं जी बहुत ज्यादा, ये सारा दिन सारा रात चलते रहो ये बस खत्म नहीं होना चाहिए बस। 15-20 हजार पी जाते हैं 15,000 से 20,000 आदमी पी जाते हैं, अगर जितना भी और रिक्वायरमेंट होती है फिर साथ साथ बनता रहता है। और सर्दियों में देखा जाता है चाय की सेवा चलती है, वो तो 24 ओवर है चाय। आप देख सकते हैं अगर मैं निर्मल कुटिया की ही बात करूँ ना, मुझे लगता है करनाल हमारा एक दानवीर कर्ण की नगरी जहाँ पर सभी लोग दानवीर है, निर्मल कुटिया ऐसे बात करूँ यहाँ पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो भूखे पेट सो जाए, क्योंकि 24 घंटे यहाँ लंगर मिलता है, गर्मी में कोई प्यासा नहीं मरेगा क्योंकि यहाँ पर मीठा पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अगर आपको मीठा पानी मिल रहा है गर्मी में, पानी मिल रहा है ना, शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए इन लोगों का जो सेवादार है, जो रोज़ाना सुबह 7 बजे यहाँ पर ये सेवा करनी शुरू कर देते हैं। दो छोटे छोटे दोस्त अभी मैं देख रही हूँ और बच्चे आते जा रहे हैं, तो ये बच्चे भी रोजाना आते हैं, ये भी सेवा करते हुए दिख रहे हैं। रोजाना 15-20 हजार लोग यहाँ पर जो है इस मीठे पानी को चखते हैं। और अभी देखिए बनाकर तैयार कर दिया गया है, थोड़ी देर में अभी और धूप जो है बढ़ेगी, गिलास वहाँ पर लगा दिए गए हैं कलरफुल से ग्लासेस, और जो भी आएगा उसे धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी तो धूप होनी स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है देखी जाएगी। चाहे मैं लंगर प्रसाद की बात करूँ, शिक्षा को लेकर बात करूँ, निर्मल कुटिया हमेशा शिक्षा को लेकर भी, या गरीब कन्याओं को विवाह करवाना हो उसको लेकर हर चीज़ के लिए निर्मल कुटिया आगे रहता है, और हर गर्मियों में इसी तरीके से रोज़ाना 5,000 लीटर मीठी छबील मीठा पानी तैयार किया जाता है। आपने देखा कितनी मेहनत रहती है, सभी लोग लगते हैं 5 से 6 लोग सेवादार होते हैं, कितना दूध जाता है, कितनी एक मतलब 5,000 लीटर है तो एक जो है टैंक बताया गया मुझे 1200 लीटर का है, जिसमें 50 बोतल चली जाती है, दूध कितना ज़्यादा जाता है, चीनी कितनी ज़्यादा जाती है, पूरा प्रोसेस आपने देखा। तो अगर आप भी करनाल में पहुँचे हैं, करनाल में निर्मल कुटिया से गुजर रहे हैं ना, तो एक बार यहाँ का ये मीठा पानी टेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लंगर ही है जो 24 घंटे यहाँ पर चलता रहता है, सेवा है, सेवादार सेवा करते हैं, और शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा जब भी पिए इन सेवादारों का, और शुक्रिया अदा कि आप करनाल में रहते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति खाली पेट नहीं सोता और कोई भी प्यासा नहीं मरेगा, 24 घंटे लंगर पानी। बच्चे देखो अभी से आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, कोई बॉटल्स भरवा के लेकर जाएगा, कोई अभी पी कर जाएगा। तो आप तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ नमस्कार। तो अभी मैं महाराज जी के पास पहुंची हूँ, जहाँ पहुंचकर मुझे पता चला है कि 5,000 रोज़ाना तो लीटर बनता ही है मीठा पानी छबील लगती है, लेकिन कल जो है जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जाती है, जनता आती जाती है, तो कल 5,400 लीटर मुझे बताया गया बने। वहीं काउंटिंग सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ, आज जो है काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट आने वाले, तो काउंटिंग सेंटर्स पर भी यहाँ से लंगर जाता है। इससे पहले भी आप लोगों को पता है ईवीएम मशीन्स जो है कॉलेजेस में रखी हुई थी, तो वहाँ पर भी रोज़ाना लंगर जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किस तरीके से निर्मल कुटिया जो है रोज़ाना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूँ या कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात बाहर बात करूँ, सुबह शाम वहाँ पर भी लंगर जाता है, ताकि जो मरीज़ जो दूर दराज से आते हैं, उनका परिवार आता है, वो कोई भी भूखा पेट ना सोए। और यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए भी यहाँ पर जो है पहुँचते हुए दिख रहे हैं लोग। और निर्मल कुटिया किस तरीके से तत्पर रहता है लोगों की सेवा के लिए, चाहे वो लंगर प्रोवाइड करवाना हो, बस्तियों में भी यहाँ से रोज़ाना लंगर जाता है, काउंटिंग सेंटर्स पर जा रहा है, हॉस्पिटल्स में डेली रहता है। और मीठे पानी की तो अगर मैं बात करूँ, हमने आपको दिखाया मीठा पानी किस तरीके से सेवादार रोज़ाना 5,000 लीटर ये पानी को, मीठे छबील को तैयार करते हैं। गर्मी अभी अपने पीक पर है, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो है ये मीठा पानी तैयार किया जाता है, और अभी सभी लोग पहुंच चुके हैं, जो जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, बाइक सवार लोग हैं, मार्केट जाते हुए दिख रहे हैं, सभी लोग रुक रुक कर यहाँ पर मीठा पानी जो है पीते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी कलरफुल ये ग्लासेस हैं और लोगों को पिलाते हुए दिख रहे हैं। सर से बातचीत करते हैं। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया है। 24 घंटे ठंडा पानी मिलता है, मीठा पानी, लस्सी, पूरा लंगर 24 घंटे। ये सेवादार बड़ी सेवा करते जा रहे, इनकी जितनी सेवा कोई कर सकता ही नहीं। ठीक है जी, जय माता दी। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग आते जाते रुकते हैं, और किस तरीके से सेवा देखते सेवादार में लड़कियाँ भी हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको सेवा करते हुए यहाँ पर दिखेंगे, जितने भी बुजुर्ग हैं सभी लोग यहाँ पर रुक कर जो है गर्मी से राहत जरूर मिल जाती है। जब भी आप थोड़ा सा भी अगर कुछ ठंडा पानी अगर आप लोगों को मिल जाता है, और आप देख सकते हैं जितने भी बाइक सवार हैं, एक्टिवा पर हैं, ई रिक्शा चालक हैं, सभी यहाँ पर रुकते हुए दिख रहे हैं। सेवा में आप देख सकते हैं सभी लोग तत्पर हैं। सुबह दिखाए थे, सुबह अलग सेवादार थे, और अभी किस तरीके से बच्चे जो है, सुबह भी कुछ बच्चे मैंने आपको दिखाए थे, और अभी भी कुछ बच्चे जो है। अच्छा, डेली सेवा करते हो यहाँ पे? डेली करते हो आप भी? हाँ, अच्छा लगता है सेवा करना? तो आप देख सकते हैं बच्चों को सेवा करना अच्छा लगता है।
आप देख सकते हैं बुजुर्ग यहाँ पर बॉटल्स भी जो भरवाते हुए दिख रहे हैं। आंटी जी क्या कुछ कहेंगे कि ये गर्मी से राहत मिल जाती है ये मीठे पानी के जरिए? हाँ जी, गर्मी से राहत मिल जाती है मीठे पानी के जरिए। हाँ जी, सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारे वाले। ठीक है जी। आंटी जी क्या कुछ कहोगे, कहाँ जा रहे थे? यहाँ बेटा रोटी खाने आई थी, पानी पी रही। सेवा तो अच्छी है जी। मैं तो एक काली हूँ, बच्चा भी एक्सीडेंट होकर मर गया, अंकल भी। रोटी दोनों टाइम ही आई खा के, यहीं पे खाने आते। डेली आते हैं? डेली। परिवार में कोई नहीं है? कोई भी नहीं। कहाँ रहते हो? मैं ब्यानन कॉलोनी में किराए पर हूँ। आप देख सकते हैं कि वो अकेले रहते हैं, परिवार में कोई भी नहीं। अपना दो वक्त का जो खाना खाने ना, सिर्फ यहीं पर आते हैं। लंगर किस तरीके से यहाँ पर 24 घंटे रहता है। अभी देखो पीछे, अभी साथ में जो है गिलास साथ में साथ धोते हुए दिख रहे हैं, वो भी सेवा लगती है। देखो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से सेवा करते हुए यहाँ पर साफ होते हैं, सरफ से साफ होते हैं। कितने लोग रोजाना यहाँ से मीठा पानी पी जाते होंगे? लाखों आदमी पानी पीते होंगे, 15-16 हज़ार पी जाते हैं। अभी तक भी काफी आगे होंगे ना सुबह से? हाँ जी हाँ, बहुत आगे। ये दोबारा बनाया है या अभी सुबह वाला ही चल रहा है? दोबारा बनाया। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब भाई मैं जब सुबह आई थी ना, बनाया जा रहा था यहाँ पर ये दो टैंक जो 1200 लीटर के हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बनाया गया है। वही मैं आपको बता रही थी कि 5000 लीटर रोजाना यहाँ पर मीठा पानी बनता है, और कल 5400 लीटर बताया गया था। जितने भी चाहे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, और वो बुजुर्ग देखा उनके घर में कोई भी नहीं है, किस तरीके से। और शब्द भी चलते हैं यहाँ पीछे की, लोग जो आए उनके कानों में जो है शब्द भी जो है चलते रहे। तो निर्मल कुटिया जो सेवा करता है आम जनता के लिए, चाहे वो खाना खिलाना हो, मीठा पानी पिलाना हो, शिक्षा की ओर मैं बात करूं, या अभी हॉस्पिटल्स में जाकर, बस्तियों में जाकर डेली खाना लेकर जाना हो, तो परिवार को, हर किसी को जो है यहाँ पर खाना अवेलेबल जो है निर्मल कुटिया करवाता हुआ दिखता है यहाँ पर।